subscribe and click the bell icon for television updates. सॉन्ग जैसे मैंने पहली बार सुना था एंड आई वॉज मेसमराइज बिकॉज सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है. यू नो ऐसा फील आता है सॉन्ग सुन के जैसे कि ना संजय लीला भंसाली सर का यू नो फिल्म क्या सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है. तो सॉन्ग हुआ, फिर हम लोग सबने साथ में काम किया, बहुत मज़ा आया. एंड द बेस्ट थिंग इज़ द रिव्यू, द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर फैंस इज़ यू नो अनएक्सपेक्टेड. बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो एवरीबडी इज़ लविंग द सॉन्ग. फैंटास्टिक एज सबा ऑलमोस्ट कवर्ड दी की पॉइंट्स. यू नो कि जब मैं इधर आया था पहली बार इस मीटिंग के लिए, सो गाना सुन के आई वॉज इम्प्रेस्ड. एंड ऑफकोर्स द एंड गेम, द फाइनल आउटपुट वॉज ऑसम, यू नो मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. सो फैंटास्टिक. मैंने गाना मतलब मेरे घर पे रहता ही है, मैं घर में घुसते ही बोलता हूँ एलेक्सा प्ले जोगन. सच अ ह्यूज फैन ऑफ द सॉन्ग. एंड देन ऑफकोर्स द टीम, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब विथ यू नो द ट्रीटमेंट विच वी गॉट वॉज ऑसम. एंड यू नो द एक्टर्स, यू नो लेट इट बी सबा और निशांत, यू नो दे, यू नो सी दे आर गिविंग एक्टर्स, यू नो सो वो जो परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक. So I got that kind of a, you know, cooperation from both Saba and Nishant. Fantastic job done. So I could also, you know, play my part accordingly. And, you know, it was overall like a great experience. You know, whatever we did it in the span of what, 14 hours? And abhi aap dekho, if you see the end game, so it looks like as if humne bada isko ek der hafta lagaya rahega and all. And, you know, overall, last... Even Mujtaba Bhai, you know, his son of legendary Aziz Naza Sahab, and fantastic voice. And of course, it will be unfair on my part if I don't mention, it actually looked like a magnum opus, you know, a Bhansali kind of a film. And a lot of people, they, you know, landed up asking me, "Arey, music to launch ho gaya. When is the movie releasing?" So, in fact, it's so true. Today I was showing this song to someone and I was like, ki, "Acha, song bahut acha, picture kaisi hai?" You know? So best part was like we didn't know each other. I knew Nishant, हम पहले मिले हैं, लेकिन first पहली बार मैंने निशांत के साथ काम किया, सेट पे आए और टाइम नहीं लगा बिकॉज इज सच अ ग्रेट एक्टर. हमारी केमिस्ट्री दिख रही है सॉन्ग के अंदर. एंड विनीत, माय गॉड, इट इज़ अ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी बिकॉज मुझे था कि हाँ है, मतलब यू नो ही इज़ प्लेइंग द विलन इन दिस सॉन्ग, बट ही डिड अ फैब जॉब. मतलब आई फॉर डिटेल एंड ही वॉज लाइक ही वॉज गिविंग इनपुट सो मच एंड ही वॉज कि हाँ मैं इससे ज़्यादा अच्छा दे सकता हूँ. आई रिमेंबर ही वॉज लाइक गिविंग इनपुट्स टू डायरेक्टर ऑल्सो. सो इट वॉज wonderful to work with such a great actors, Nishant, Vineet, and I was having blast because ek hota hai na, matlab song karne ke liye aajkal bahut songs aate ho jate hain, chale jate hain, you know, koi acting nahi, koi song nahi, kuch bhi maza nahi aata, but this song was more like a film, you know. Exactly, it was amazing. Exactly. To work with Vineet and Nishant, both of them, and I've learned so much from them also. Saba is being very modest right now. You know, the song starts with Saba, you know, bhag ke aa rahi hai, and you know, bhag ke aana rukna, and she was looking fab, you know, matlab she was looking okay, fantastic, you know, matlab some kidhar na kidhar mujhe jalan ho bhi rahi thi. Eventually Nishant, you know, so like, hota hai, maybe next time we'll play a couple. अभी आपने देखा होगा कि मैंने बंदूक अपने दोनों हैंडमैन की बंदूक नीचे कर दी थी. अगले बार मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ होगा तो बोले चलाओ गोली निशान पर. मेरा मन कर रहा था बोले चला दो एक के ऊपर गोली, तो लेकिन चलो खैर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हो जाता. सो लेकिन यू नो हैविंग सेड ऑल दैट, यू नो सबा जैसे मैंने कहा है, यू नो शी ऑल्सो डांस्ड, यू नो जितना आई डोंट नो हाउ मच डिड यू रिहर्स, डिड यू नॉट मच जस्ट अ वन डे थिंग. So yeah, and then we on set हमने काफ़ी improvise भी किया था. So because I love dancing, you know. Yeah. मुझे बहुत मज़ा आता है डांसिंग करने में. डांसिंग वाला शॉट दे दो तो अगर मुझे यू नो रिहर्स भी नहीं किया होगा तो आई विल गिव माई इनपुट बिकॉज आई लव डांसिंग. सो दैट इज़ वॉट आई सॉ इन यू नो सबा लाइक सो डांसिंग इज़ वन. इफ यू आर अ डांसर देन जनरली डोंट एक्सपेक्ट डांसर्स टू यू नो गिव दोज यू नो
also give you know acting performances along with that. Ab Saba ka take dekho, so you know every time where she has danced, she is an actor. Let me tell you, first she is an actor and then she is a dancer, but then she incorporated both together. And jaise maine kaha, ye 14 ghante mein hua hai jo bhi hua hai. And she, you know, she pulled it off very well. And as I said, you know, ki unless you get it from the other actors, you are not able to put your. Then what I saw on the set, what I saw during the making, that you know everybody, you know, let me even talk about Nishant. There was ek do scene aise aaye the ki mere ko laga tha main director ko le director main aisa karun wo karun ye karun. So luckily director was, you know, on the same page, bol ha karo. But important was wo scene mujhe Nishant ke sath karne the, main usko leke aa raha hu, dhakka maar raha hu, laag bhi maar raha hu. Ha, so and Nishant, you know, such a great guy, man. He's such a giving actor. He's a TV star, of course. And he was like, you know, brother, let's do it. मतलब I was thinking कि अगर मैं उसको ऐसा घसीट के फेंकूंगा, फिर लात भी मारूंगा. और उसको वो चीज़ इतनी हद तक अच्छी लगी कि चलो जो एल्बम में हुआ हुआ. उसने एक रील भी बनाया. उसने एक ऐसा रील बनाया जिसमें मैं उसको लेके धक्का मार रहा हूँ, लात मार रहा हूँ. उसने वो सब चीज़ें कवर की. सो आई वॉज सो इम्प्रेस. बोला बॉस, वेन नाउ एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, सो लेट अस गो ऑल आउट. एंड ट्रस्ट मी, यू नो, आई वॉज इन लॉकअप. आई वॉज रिलीज वॉट 2 days back. And in lockup also I was thinking, you know, कि वो गाना रिलीज हुआ रहेगा या नहीं, वो क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या रहेगा. कोई कोई टाइम में सोचता भी था, यू नो, गुनगुनाता भी था. गाना अलाउड नहीं था. यू आर नॉट अलाउड एज, यू नो, कैदीज, यू कैन नॉट सिंग, नो बडी कैन सिंग, बट गुनगुना सकते हो. तो मैं कभी कभी सब करता भी था. मैं सोचता था बैक ऑफ माई माइंड कि यार गाना अच्छा आया रहेगा कि नहीं, क्या हुआ रहेगा. एंड द मिनट आई केम आउट ऑफ द लॉकअप, आई सेट इन द कार, द फर्स्ट कॉल विच आई गॉट इज, यू नो व्हाट, यू आर लुकिंग, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन जोगन. Of course, you did not have a big part, but jo bhi tha, that came out. No, really, that was quite an interesting part. You know, part shouldn't be big or small. It's like how interesting it was. It was like because of him, because of his acting skills and giving in lot of inputs and काफ़ी टाइम तक आप ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. तो आई वॉज सींग, आई वॉज लाइक रियली लाइक ही इज अ सच अ टैलेंटेड एंड ब्लेस्ड एक्टर. सो बहुत अच्छा लगा. नो, इट वॉज ओवरऑल फैंटेस्टिक जॉब. ऑफ कोर्स हीरो हीरोइन वर फैंटेस्टिक. अगर हीरो हीरोइन अच्छे होते हैं तो विलन को अपने आप अच्छा होना पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना पड़ता है, क्योंकि अगर विलन पावरफुल और अग्रेसिव ज़्यादा रहेगा तो फिर वो मजा आएगा हीरो से. क्योंकि सी निशांत इज लाइक दिस. अगर एक्चुअल लाइफ में मिलेगा मुझे पंच में मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन थ्रू आउट ही वाज टेकिंग द बीटिंग्स एंड यू नो ऑल द ह्यूमिलेशन एंड ऑल. सो फैंटास्टिक, इट वाज ऑसम. Actually, looking from the poster also, you can see it's so beautifully done. बहुत ही अच्छा, you know, you can see the poster. Nishant here, Vineet is here, and so it's so beautiful कि एक अच्छा royal feel आ रहा है. आजकल, you know, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, but आजकल बहुत सारे songs आते हैं, इतने सारे songs आते चले जाते, but उनकी कोई meaning नहीं होती, no picturization, बस ऐसे लगता है कि बस, you know, काम कर लिया ऐसी. But this song was really beautiful. Song is so beautiful. Picturization बहुत है. हर एक चीज़ पे डिटेलिंग के साथ काम की गई थी. कॉस्ट्यूम के साथ लुक कैसा होगा, विनीत का लुक कैसा होगा, निशान का लुक कैसा होगा, इनफैक्ट मम्मी डैडी का लुक कैसा होगा, सबका जो कैरेक्टर छोटे छोटे भी प्ले कर रहे हैं उन सब के बारे में डिटेलिंग के साथ काम किया है. अमित ने बहुत अच्छे से, अमित एंड महेश ने मिल के जो स्टोरी है वो डेवलप की है. और अमित का डायरेक्शन इज़ अमेजिंग अमेजिंग. इट्स जस्ट नॉट अबाउट थ्री ऑफ अस, इट्स जस्ट द होल टीम. सुरेश सर जो हमारे सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं, उनका जो म्यूज़िक में टेस्ट था, उन्होंने सॉन्ग सिलेक्ट किया. फ्रॉम देयर टू अमित, महेश, राजीव, एवरीबडी, जितने भी प्रोडक्शन टीम में थे, सब ने बहुत हार्डवर्क किया है. और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत है. सो बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम जो जर्नी थी हमारी, एक्चुअली फ़्लाइट नहीं हो रही थी, तो हम हमने सोचा कि चलो बॉन्डिंग भी हो जाएगी, तो हम बाय कार गए सुबह सुबह मॉर्निंग में, आई थिंक 5 बजे. एंड साथ में जर्नी ट्रैवल करके गए थे. एंड देन जैसी बहुत, बिकॉज इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी, एंड जब जैसी हम वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे, इट वॉज़ सो ब्यूटिफुल. द पैलेस वॉज अमेजिंग. एंड इनफैक्ट हम किंग एंड क्वीन से भी मिले. वो हमसे मिलने के लिए आए, हमारे साथ पिक्चर क्लिक कराए. दे वर वेरी वेरी स्वीट. वहाँ पे जो लोग थे, जनता थी, जो फैंस आए थे, वो बहुत प्यारे थे. एंड
यू नो जो बॉन्डिंग थी सबकी बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगा नहीं कि मैं विनीत से पहली बार मिल रही हूँ या निशान के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ. तो बॉन्डिंग पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. एंड या आई मीन आई वी हैड जस्ट नॉट मी वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. सो बेसिकली हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सॉन्ग को बहुत सारा प्यार दीजिए बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. हमने बहुत प्यार से सॉन्ग बनाया है और इस सॉन्ग की ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इस पर रील्स बनाइए, हमें टैग कीजिए और हमें हमें आई एम श्योर आपका रील पसंद आएगा एंड हम इसको रिपोस्ट करेंगे.